आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही तीखी चटपटी बनने वाली है, सबको बहुत पसंद आएगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहार के प्रसिद्ध आलू चॉप। ये हमारे यहाँ की खास रेसिपी है और जब भी हम गांव के मेले या बाज़ार में जाते हैं तो इसे ज़रूर खाते हैं। अभी भी जाते हैं तो खाते हैं, गाँव में तो आज भी शाम के समय नुक्कड़ पर जाओ तो मिल जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए पहले हम कुछ मसाले तैयार करके रख लेते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे, छोटी वाली चटनी जार, और इसमें 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे काट कर ऐड करेंगे, 4 कली लहसुन की, ये बड़ी बड़ी साइज की थी तो मैंने 4 ली है, आप ज़्यादा भी लहसुन ले सकते हैं। अपने आलू के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप लहसुन को ऐड करिएगा। आलू चॉप में लहसुन का मेन फ्लेवर होता है, लहसुन से ही हमारे आलू चॉप चटपटे बनेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च ली है, ये बहुत ही तीखी है इसलिए 2 ही ली है। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जार का ढक्कन लगाकर इसे 2-3 बार रुक रुक कर चलाएंगे, क्योंकि इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है। तो आप चाहे तो इसे खलबट्टे में भी कूट कर ले सकते हैं या फिर जो सिलबट्टा होता है मसाला पीसने वाला उस पर आप दरदरा पीस कर ले सकते हैं। चलिए ये देखिए इसे दरदरा पीस लिया है। अब यहाँ गैस पर मैंने ली है आयरन की कढ़ाई, इसमें 1 चम्मच के करीब तेल ऐड किया है और जैसे तेल गर्म हो जाए इसमें हम 1 चम्मच पंचफोरन ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आलू चॉप में। इसे थोड़ा तड़का लेंगे और जो मसाले हमने ददरा पीस कर रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ी देर भून लेंगे, कुछ सेकेंड्स ही भूनना है जिससे हमने जो लहसुन ऐड किया है उसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। ये भुन गया है, ज़्यादा नहीं भुनना है, मिर्च का तीखा फ्लेवर मेरे नाक और गले के अंदर जा रहा है और खांसना भी शुरू हो गई है। तो जल्दी से जो ड्राई मसाले हैं बचे हैं उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये कलर के लिए ऐड किया है, ऑप्शनल है डालना, बस यही बेसिक से मसाले हैं। इसे भी 15-20 सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। उसके बाद यहाँ 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, आलू को ठंडा करके लीजिएगा और इसे इस तरह हाथों से क्रश करके मसाले में डाल देंगे। इसे ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से तोड़कर ऐड कीजिएगा, गुठली वगैरह रहेगी तो भी चलेगा, इसी से आलू चॉप खाने में इंजॉय लगता है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है और थोड़ा सा काला नमक ज़रूर ऐड करें इसे। अब हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए आलू को मसाले के साथ मैश करते हुए भूनेंगे। इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब लास्ट में 1/4 चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब मिक्स करके अच्छे से, इसे ज़्यादा नहीं भूनना होता है, बस आलू मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए बस उतना ही काफ़ी है। तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसकी टिकिया बनाएंगे। तो जब तक ये ठंडी हो रही है हम यहाँ बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल में 1 कप बेसन लिया है, 1 कप बेसन काफ़ी है, घोल बनाने के बाद ये बच भी जाएगा। नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 चम्मच, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। वैसे तो ये येलो कलर भी रहता है लेकिन जब मैं मेले में खाती थी तो वो ऑरेंज कलर में रहती थी, दिखने में अच्छा लगता था लेकिन वो लोग फूड कलर ऐड करते थे तो इसलिए मैंने कश्मीरी पाउडर ऐड किया है। आप सिर्फ नमक और हल्दी भी ले सकते हैं। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। पानी को मैंने जिसमें मसाले पीसे थे उसमें थोड़ी लगी हुई थी मसाले तो उसी में पानी डालकर ले लिया है। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और फेटेंगे। अभी पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और ऐड किया है इसमें, अब मिलाकर अच्छे से इसे हम फेट लेते हैं और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। और इसे देखिए मैंने फेंट लिया है। और इसको इतना गाढ़ा रखना है कि ये देखिए स्पून में लाइन खींची तो ये दोनों साइड से मिक्स नहीं हो रहे हैं इनके किनारे, तो इतना गाढ़ा रखना है। और पानी मुझे इसमें 3/4 कप लगा है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा पानी को। चलिए अब बैटर तैयार है और ये जो आलू है वो भी देखिए ठंडे हो गए हैं।
तो अब इसकी हम टिकियां तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, साइज कितना बड़ा छोटा रखना है आपको उस हिसाब से मिक्स ले लेंगे और इसे इस तरह से गोल करेंगे और फिर देखिए इस तरह से हथेली से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे तो एक टिक्की तैयार है। ये इसी तरह से आलू चॉप बनती है, सारे इसी तरह से हम बना लेंगे। लेकिन मैंने अभी इतना, ये देखिए 8 से 10 टिक्कियाँ तैयार की है, मुझे अभी इतनी की ज़रूरत है। आप इस मिक्स को फ्रिज में 2 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं या फिर टिक्कियाँ बनाकर भी रख सकते हैं स्टोर करके, और जब मन करे इसे फ्रिज से बाहर निकालें और बेसन को घोल तैयार करके इसे फ्राई कर लें। तो अभी जितनी मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं उसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई करेंगे। वैसे मैं तो चॉप बनाती हूँ तो नहीं डालती हूँ क्योंकि बैटर को मैंने अच्छे से फिट कर लिया है, लेकिन आपके लिए मैंने इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, उसे डाल दिया है। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा बेसन फेटना नहीं पड़ेगा और इसे डालने से बैटर हल्की हो जाएगी और टेक्स्चर अच्छा आएगा आलू चॉप का। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। बस अब आलू की टिक्की उठाएंगे और इसे इस घोल में डालकर अच्छे से बेसन के साथ डिप करेंगे। हर तरफ से बेसन को कोट हो जानी चाहिए इस तरह से, ये देखिए, और इसे ऑयल में इस तरह से छोड़ते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखिएगा और जितना इसमें आ सके उतना हम डाल देंगे। और आप देख पा रहे हैं, ये देखिए अपने आप ही ऊपर ऑयल के आ गए हैं ये, और इसे हम पलट देते हैं। और दोनों तरफ से उलट पुलट कर इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए ये फ्राई हो गए, अच्छा सा कलर भी आ गया है इनके ऊपर। निकाल लेते हैं प्लेट में। चलिए इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है और देखिए इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ इसके अंदर का टेक्स्चर। ये इसी तरह का बनता है, आप इसे हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना इसे चटनी के साथ नहीं मुरमुरे के साथ खाते हैं, मुरही हम जिसे कहते हैं पफ्ड राइस। तो आज मैं भी इस चॉप का इसी तरह से एंजॉय करूंगी, हमारे यहाँ सबको इसी तरह से खाना पसंद है। तो मुरमुरे के साथ यहाँ मैंने आलू चॉप को सर्व किया है, मेले में भी इसी के साथ दिया जाता है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा, रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दे, कमेंट करिएगा, बताइएगा ट्राई करने के बाद हमारे यहाँ की आलू चॉप आपको कैसी लगी, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ। लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।